to our channel and we would like to know कि जैसे आजकल की movies आ रही हैं वो काफी different हैं, so आपकी movies में क्या different देखने मिलेगा हमें? हमारी फिल्म में कुछ डिफरेंट नहीं है. हमारी फिल्म में आपकी ज़िंदगी की रियलिटी आपको देखने को मिलेगी. इट इज़ अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट. इट्स अबाउट इन्जॉइंग ईच मोमेंट एंड नॉट लिविंग थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग लाइफ फॉर द फ्यूचर, जो आजकल हम सब करते हैं कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट कर लूँ इससे मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा, मैं अगर ये हसल और जुगाड़ कर लूँ तो ज़िंदगी में एक और चीज़ आ जाएगी, घर खरीद लेंगे. इट्स अबाउट रियली स्लोइंग डाउन एंड इन्जॉइंग एंड सेवरिंग ईच मोमेंट ऑफ आर लाइफ. मैं ये ब्रॉडर थीम बता रहा हूँ. कहानी एक डॉक्टर की है, काव्य, एंड उनकी ज़िंदगी में एक दिन में क्या क्या होता है, वेयर शी कम्स टू रियलाइजेशन दैट यू नो लाइफ इज़ सो मच, द सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर सो इम्पॉर्टेंट टू चेरिश. तो वही हमारी कहानी है. कुछ अलग आप पूछेंगे तो नहीं, कुछ अलग नहीं है, पर ये ज़िंदगी दर्शाती है. आई थिंक ये ज़िंदगी दर्शाती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आज के दौर में I feel more than being different, I feel you need to be closer to what life is. ये मेरा मानना है. And that is what I enjoy watching. What do you think, Vijayata? Yes, because see, like what happens is when you are planning so much for the future, like 10 years later I'll be here, 5 years later I'll be here, you forget your day-to-day, what's going on right now in your life, with your family, with the people who matter, with, you know, the people you should care about. It's not like after you reach a certain point or, you know, I'll have like X amount in my bank, then my life will be better and then everything's going to... It's not, because to get there, you're already, you know, ending a lot of relationships. You're just not handling life the way it should be. So that's the message. And in our film, like Kavya, who's a... So she's an oncologist. So she really sees like the best and worst. Like, you know, you're... As a doctor, the pressure to like, you know, you're literally like curing cancer. But what is it doing to you? That's what the film is about. हमारी फ्लिपकार्ट पे आ रही है एंड इट्स अ वेरी अमेजॉन थिंग दैट इज कमिंग ऑन फ्लिपकार्ट. नहीं कोई नहीं यार, फ्लिपकार्ट पे आ रही है. फिर से आप सुन लीजिए, 19 तारीख को आ रही है. इट्स कॉल्ड जिंदगी इन शॉर्ट, दैट्स एंथोलॉजी, एंड आर शॉर्ट इज कॉल्ड सनी साइड ऊपर. बड़ी खुशी की बात है. आई थिंक पर्सनली एज एन आर्टिस्ट देर आर सो मेनी एवेन्यूज नाउ. पहले 10 साल पहले काम ढूंढते थे, अभी एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ इतना सारा काम है, आप अच्छा काम ढूंढ रहे हैं. बट दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, ओवर काम ढूंढना. सो आई एम वेरी हैप्पी एज एन ऑडियंस. आई एम एक्साइटेड क्योंकि इतना सारा कॉन्टेंट आई कैन चूज फ्रॉम. यू नो, कुछ पसंद नहीं आया मैं चेंज कर लेता हूँ. एंड हैविंग सेड दैट, हमारी तो छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, तो यू आर गोइंग टू लव इट. इट वोंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, बट इट माइट डू समथिंग टू यू, सो वॉच इट. I love digital platforms. It gives you, like he said, there's a lot of freedom. You can just, there are so many of them. You can just, like, if you don't like a certain content, you can just switch to something else. Also, it allows you to experiment a lot more. So in terms of stories, because, you know, you are not limited to, oh, what will the box office reviews or whatever, you know. So that is not, when that's not part of the equation, then you can actually, like, make the kind of content you want to make. You can be true to the story you want to tell. You can experiment a lot more. So, Nakuul, hum aapse janna chahenge ki aap is movie mein kis tarah ka kirdaar nibhate hue nazar aayenge? Short film hai, main zyada batana nahi chahunga, but I think aapke pehle questions ko aage lete hue मुझे लगता है फ़र्क इसमें ये है कि अगर आप या तो टेलीविज़न कर रहे हैं या आप फीचर फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दूसरे जो बिज़नेस का एंगल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मे बी अगर ये फिल्म मुझे टीवी पे आती मैं शायद नहीं कर पाता, यू नो. बट इन डिजिटल देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, देर इज़ नो सेफ अनसेफ, राइट. यू डोंट हैव टू प्ले द कन्वेंशनल हीरो कन्वेंशनल हीरोइन सो दैट यू हैव अ मार्केट, सो दैट मनी कम्स इन एंड ब्रांड्स कम इन. यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. And I think sabse zyada maza usme hai. And kabhi kabhar it's not about what you're playing, it's about what the writer and director are trying to say. And for me that has always been more important, you know, and especially in a medium like digital. Because when I'm doing TV, I'll have to go back and, you know, play the hero, you know, who's saving the world. Kyunki, you know, that is what people like to see there. But here you can experiment, you can have fun, you don't have to be the one carrying the load on your shoulder. And it's quite refreshing to do that, to be in that space. सिंपल सा मैसेज है. 19 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के 6 दिन बाद एक ऐसा कपल आ रहा है, विशाल और काव्या,
एक ऐसी कहानी में सनी साइड ऊपर जो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही रियल है. आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा. बहुत ही खूबसूरत गाना है उसमें. इट्स डन बाय सुबी इज डन इट एंड लवली. इट्स कॉल्ड लवली. इट विल बी अ लवली एक्सपीरियंस इफ यू वॉच इट एंड इफ यू डू एंजॉय इट प्लीज टेल विजेता अबाउट इट. Tell me about it. Tell Reema about it. We'll be happy to hear. Okay, ma'am. What would you like to add? Ditto. Same. Same. हम लोगों ने decide कर लिया है. Last question हम लोग हमेशा decide कर लेते हैं. एक जना बोलता है. Okay. Thank you. Thank you.